कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बिरादरी की बुनियाद पर बड़े बन जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इल्म की बुनियाद पर बड़े हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे सालेहियत पहचानी जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे इल्म पहचाना जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तकवा पहचाना जाता है। उन्हीं तमाम तर लोगों में हाफिज़े मिल्लत नहीं थे, बल्कि हाफिज़े मिल्लत एक इनफरादी शान के मालिक थे। हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस मुरादाबादी बानी अरबी यूनिवर्सिटी मुबारकपुर ऐसी शख्सियतों में थे जो अपने खानदान से नहीं पहचाने गए, खानदान उनसे पहचाना गया। जो अपनी बिरादरी से नहीं पहचाने गए, बिरादरी उनसे पहचानी गई। जो सिर्फ अपने मदरसे से नहीं पहचाने गए, मदरसा भी उनसे पहचाना गया। जो सिर्फ इल्म से नहीं पहचाने गए, इल्म भी उनसे पहचाना गया। जो सिर्फ अमल से नहीं पहचाने गए, अमल भी उनसे पहचाना गया। जो सिर्फ सालेहियत से नहीं पहचाने गए, सालेहियत भी उनसे पहचानी गई। जो सिर्फ सिद्दीकियत से नहीं पहचाने गए, सिद्दीकियत भी उनसे पहचानी गई। जो सिर्फ शहादत से नहीं पहचाने गए, शहादत भी उनसे पहचानी गई। इसकी शहादत देने के लिए एक तो आपका ये दैरीना खादिम अल्लाह का गुनहगार बंदा उबैदुल्ला आजमी आपके सामने मौजूद है। उबैदुल्ला आजमी कुछ नहीं है, न इसके पास इल्म है, न इसके पास अमल है। उबैदुल्ला आजमी के बारे में जो कुछ भी आपका हुस्न इंतखाब है, या उबैदुल्ला खान आजमी के बारे में जो कुछ भी आपका हुस्न नजर है, उस हुस्न नजर के पीछे अगर कोई पूजी उबैदुल्ला आजमी की छुपी है तो हाफिज़े मिल्लत की शागिर्दी है, हाफिज़े मिल्लत के कदमों की धूल है। इसलिए कि उबैदुल्ला आजमी ने और कुछ नहीं किया, चंद दिनों तक अल्लाह के सच्चे बनने की खिदमत करने का जरूर शर्फ हासिल हुआ था, उसके हाथ पैर दबाने का जरूर शर्फ हासिल हुआ था, उसकी मुबारक अदाओं को देखने का जरूर शर्फ हासिल हुआ था। एक ऐसी जात जो पैदा होती है जिला मुरादाबाद के भोजपुर नाम के छोटे से कस्बे में, जो गुर्बत और अफलास की मंजिल से गुजरती है। ऐ अहले भिवंडी, तुम जिस तरह से करगह चलाते हो, एक दौर था कि हाफिज़े मिल्लत को भी इसी तरह करगह चलानी पड़ी थी। जिस तरह तुम गुर्बत और अफलास की मंजिल में खून पसीने की कमाई रिश्ते हलाल की शक्ल में पैदा करते हो, एक दौर था कि हाफिज़े मिल्लत को भी इन्हीं जांगुसल रास्तों से गुजरना पड़ा था, मगर हाफिज़े मिल्लत से कुदरत को कुछ और काम लेना था। घर की गुर्बत के माहौल में हाफिज़े मिल्लत ने आंखें खोली थी, मगर निहायत ही अर्थवैसी के साथ उन्होंने तालीम हासिल की थी। उनका हुस्न इंतखाब एक ऐसे उस्ताद पे था जिसे सर्वे शरिया होने का फख्र हासिल है, एक ऐसे उस्ताद के महबूबे नजर थे जिस उस्ताद के बारे में उसका उस्ताद कहता है, मेरा अमजद मर्द का पक्का, उससे बहुत कचियाते ये हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के माए नाज शागिर्द का नाम सदर शरिया मौलाना अमजद अली आजमी अलैहि रहमत है, और मौलाना अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अजीम शान शागिर्द का नाम मौलाना हाफिज अब्दुल अजीज है। गुर्बत व अफलास के माहौल से उनका निकलने वाला शागिर्द, उनके मासरीन कौन थे, उनके साथियों में कौन लोग थे? एक जात थी जो इमाम तारिकीन बन के चमकी, एक जात थी जिसे हम अपनी अकीदत की जुबान में मुजाहिद मिल्लत कहते हैं, एक जात थी जिसे हम मौलाना शाह हबीबुर रहमान अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। ऐसा दरवेश कामिल, ऐसा फकीर, ऐसा फनाफिल्लाह और फनाफिल रसूल की मंजिल से गुजरने वाला इंसान कि मैं उनकी बारगाह में इन जुमलों के साथ खराज पेश करना चाहता हूं। ऐ कटक की सरजमीन, तेरी जमीन पाक से एक मुजाहिद ने हजारों को मुजाहिद कर। कैसी कैसी शख्सियतें पैदा हुई इल्म और फजल की राह से, आला हजरत के खूनखाने से, आला हजरत के इश्क मोहब्बत के मरकज से, आला हजरत के दरस व तदरीस से, आला हजरत के इल्म और अमल के बतन से ये उनकी सालेह औलादें पैदा हुई। और आज बचता है आज इल्म का जो साथ दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। सबों की बात करूंगा मैं, सबको खराज अकीदत तो एक जुमले में पेश कर सकता हूं, मगर क्योंकि आज मरकजी और बुनियादी सब्जेक्ट फजूल हाफिज़े मिल्लत हैं, इसलिए उनका जलवा तफसीली तौर पर तो नहीं, इजमाली तौर पर मैं आपको दिखा के गुजर जाना चाहता हूं। हुजूर हाफिज़े मिल्लत की जात वो थी कि जब वो अपने इलाके में अपने कारोबार में लग गए, और हमारा ये बुनकर भाई, हमारा ये अंसारी भाई, हमारा ये मेहनतकश भाई, ये वो भाई है जो दूसरों को कपड़ा पहनाता है मगर इसके घर पे इसकी गुर्बत और अफलास की बुनियाद पर टाट के पर्दे लटके हुए हमने देखे हैं।
जिसके हाथ की कारीगरी से लोग दौलतमंद अमीर और कबीर बन गए हैं। आज चिराग तले अंधेरा हमें देखने को मिलता है, कभी इसकी बिजली की कटौती होती है, कभी इसके सूत में इजाफा होता है, कभी इसके लिए दोहरी मार मार खाता है, मगर इसका वजूद हमने देखा है। और मैंने पार्लियामेंट में भी इस मसले को बहुत तफसील से उठाया है। मैंने देखा है करगा चलाने वालों को, जिस गड्ढे में बैठकर वो करगा चलाते हैं। मैंने पार्लियामेंट में यह नक्शा खींचा था कि हमारा बुनकर भाई किस तरह से इस देश के नंगे लोगों को कपड़ा पहनाकर बावकार बनाता है और किन मंजिलों से ये गुजरता है, गड्ढा खोदता है, उसमें लूम लगाता है। आधा वजूद इसका हिंदुस्तान में होता है और आधा वजूद इसका कब्रिस्तान में होता है। इस शक्ल में ये कपड़ा बनाकर के दुनिया के सामने पेश करता है। यही मंजिल थी हुजूर हाफिज़े मिल्लत की भी, इसी मंजिल से हाफिज़े मिल्लत भी गुजरे थे। मगर हज़रात गिरामी, जिससे अल्लाह को काम लेना होता है, परवरदिगार गैब से रास्ते उसके लिए खोल दिया जाता है। दरिया सना उसी जमाने में हज़रत सदर शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक खत आता है, अब्दुल अजीज मैंने तुम्हें मदरसा अशरफिया मुबारकपुर की मुदर्रिसी के लिए मुंतखब किया है। मैं अपने जिले से बहुत जमाने तक दूर रहा हूं, मेरे जिले में अंधेरा है, मुझे अपने शागिर्द पे नाल है, मुबारकपुर जाओ और छोटे से मदरसे में खिदमत तदरीस अंजाम दो। हजरत ने जवाब में लिखा कि हुजूर माफी चाहूंगा, मेरे हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं यहां से निकलूं, मैं नौकरी नहीं करना चाहता। जवाब में सदर शरिया ने लिखा था, अब्दुल अजीज मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए नहीं बुला रहा हूं, मैं तुम्हें खिदमत इस्लाम करने के लिए बुला रहा हूं, मैं तुम्हें खिदमत दीन करने के लिए बुला रहा हूं। हाफिज़े मिल्लत जब मुबारकपुर पहुंचे तो एक खपड़ाइल मकान था और उसमें काला कुल्लू की बहसें चला करती थी। छोटा सा खपड़ाइल मकान, और मुबारकपुर की खुशकिस्मती यह थी कि खानवादे अशरफिया मुबारकपुर की रूहानी सरपरस्ती करता था। मुबारकपुर की रूहानी सरपरस्ती खानवादे अशरफिया करता था, जिसके शहजादे मोइन मिल्लत की शक्ल में आपके सामने जलवा कर रहे हैं, और उनकी तालीमी सरपरस्ती हाफिज़े मिल्लत के नसीबे में आई थी। वो मुबारकपुर जो कोरदा था, वो मुबारकपुर जो पसमादा था, वो मुबारकपुर जिसको कोई जानता नहीं था, वो मुबारकपुर जो बुनकरों का था, अब वो मुबारकपुर सिर्फ बुनकरों का नहीं, हाफिज़े मिल्लत के सत्ते में वो आलिमों का मुबारकपुर है, वो मुहाफिजों का मुबारकपुर है, वो हाफिजों का मुबारकपुर है, वो कारियों का मुबारकपुर है, वो दानिश्वरों का मुबारकपुर है, वो डॉक्टरों का मुबारकपुर है, वो फाजिलों का मुबारकपुर है, वो शायरों का मुबारकपुर है, वो अदीबों का मुबारकपुर है। अरे कहां खोले थे गेसू यार से खुशबू कहां तक है, उस मुबारकपुर से इल्म और फजल का जो चश्मा हाफिज़े मिल्लत की शक्ल में फूटा। और हाफिज़े मिल्लत ने एक छोटे से घरौंदे में बैठकर जो काम किया, मुस्तकिल मिजाजी में अल्लाह बड़ी बरकत देता है। ऐसा मुस्तकिल मिजाज आलिम दीन, ऐसा मुस्तकिल मिजाज मुत्तकी, ऐसा मुस्तकिल मिजाज रसूल पाक का दीवाना कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। जब मुसीबतों की मंजिल से मेरे हाफिज़े मिल्लत गुजरते थे तो कहते थे, एक उनका है दीवाना जो खारों से गुजरता है, एक उनका है दीवाना जो खारों से गुजरता है, दर्दों की लगे ठोकर गिर गिर के संभलता है, एक उनका है दीवाना जो खारों से गुजरता है, दर्दों की लगे ठोकर गिर गिर के संभलता है। ऐसा हाफिज़े मिल्लत संभले कि सबको संभाल करके रख लिया। आज पूरे हिंदुस्तान में अशरफिया का मामूली सा इंट्रोडक्शन यह है कि वो अशरफिया जो एक छोटे से घर में था, छोटे से कमरे में था, हाफिज़े मिल्लत की बेपनाह मेहनत, हाफिज़े मिल्लत की बेपनाह कुर्बानी, हाफिज़े मिल्लत की बेपनाह काविश, ऐसी काविश कि हाफिज़े मिल्लत का लोगों ने चलना देखा था, हाफिज़े मिल्लत का लोगों ने उठना बैठना देखा था। आज भी आपके कस्बे में हजारों आंखें ऐसी होंगी जिन्होंने हाफिज़े मिल्लत को देखा है। अल्लाह का बंदा जब चलता था तो रास्ते पर मुबारकपुर में एक छोटी एजेंटी कहलाती है। एजेंटी का मतलब यह हुआ कि सारी साड़ियां लोग लेकर के वहां आते हैं, लंबा कारोबार होता है और शाम को इतना रश, इतनी भीड़ होती है कि चींटी भी अगर उधर से गुजर जाए तो वो मर ही जाएगी, जिंदा रहने की इम्कानात नहीं है। उस जमाने में अशरफिया तरक्की कर चुका था, हम लोग नई बिल्डिंग में आ चुके थे, हम वहां पढ़ते थे। और हाफिज़े मिल्लत जब पुराने मदरसे से आते थे, जिस मदरसे में पहले पढ़ाते थे वही इकामतगाह भी हाफिज़े मिल्लत की हो चुकी थी। जब वहां से आते थे हाथ में एक छड़ी होती थी, अल्लाह का एक दरवेश बंदा
जिस सादगी के साथ चलता था उस पर हसीन रानाइयां कुर्बान की जा सकती हैं, मगर वो साहब एहसान था, एहसान की मंजिलों में पहुंचा हुआ था, उसकी सादगी में भी जीनत थी, उसके सजदों में भी जीनत थी, उसके कौलो अमल में भी जीनत थी, उसके इल्म में भी जीनत थी, उसके फज्ल में भी जीनत थी, उसकी तहकीक में भी जीनत थी, उसके कलम में भी जीनत थी, उसकी जुबान में भी जीनत थी। चलने वाला चलता था, जुबान चलती रहती थी। जानते हो जुबान पे क्या होता था? तराने कुरान हुआ करता था। रोजाना एक कुरान करीम खत्म करके सोने वाला सोया करता था। तहजुद गुजार ऐसा, फितरत शियार ऐसा, फितरत शनास ऐसा, और इस कदर इल्म व फजल का मालिक को उसने अपने अमल की करामतें दिखाई हैं। करामत यह नहीं है कि हवाओं में उड़ा जाए, करामत यह है कि आमाल की सौगात मुनफरिद तरीके से पेश कर दी जाए, अकीदे का हुस्न मुनफरिद तरीके से पेश कर दिया जाए। हवाओं में उड़ने का नाम करामत नहीं है, अमल की दुनिया को बसाने का नाम करामत है। अगर एक वली हवा में उड़ के भी दिखा सकता है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं हवाओं में उड़ने के फैजान ऐसे नहीं होंगे जो इल्मी फजा में उड़ने के फैजान हुआ करते हैं, जो अमली फजा में उड़ने के फैजान हुआ करते हैं। हाफिज मिल्लत की मुकद्दस जात ऐसी थी कि जब वो चल करके उस एजेंडी से मदरसे में पढ़ाने के लिए आते थे, आप यकीन मानिए, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या अपना क्या बेगाना, क्या सुन्नी क्या गैर सुन्नी, हाफिज मिल्लत का अदब हर तबके के दिलो दिमाग में ऐसा था कि हाफिज मिल्लत जब आते थे रास्ता कुशादा हो जाता था। लोग कारोबार खुदा की कसम छोड़ करके खड़े हो जाते थे, जब तक अल्लाह का वली गुजर नहीं जाता था तब तक लोग खड़े हैं उसमें बिना शिरकते, बिना किसी तरह की मिल्लत और मजहब के भेदभाव के। हिंदू भी खड़ा हुआ हाथ जोड़े है, मुसलमान भी सलाम कर रहा है, रास्ते से लोग हट गए हैं और जाने वाला चला जा रहा है। उसके बाद मगर नजर नीची है, सलाम हो रहा है, जवाब दे रहे हैं, नजर उठाते नहीं थे। एक मर्तबा आदमी को देखते थे, उसके बाद नजर उनकी हमेशा झुकी रहा करती थी। यह उनकी जिंदगी का एक दिन का मामूल नहीं था, उनकी पूरी जिंदगी का ही मामूल था। और इस तरह से वो मदरसे में तशरीफ ले जाया करते थे। रातों में जलसा भी होता था तो अगर 150 किलोमीटर की दूरी पर जलसे में है और हाफिज मिल्लत जलसे के फौरन बाद दौड़ते हुए बस पकड़ते थे, और सुबह में बच्चों का नुकसान न होने पाए पहली घंटी में आकर दारुल मशरफिया के अंदर हाफिज मिल्लत मौजूद रहते थे। तो हाफिज मिल्लत ने दर्श इस तरह